दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शाहीन बाग के मुद्दे को लेकर आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। पार्टी के दिग्गजों का पूरा फोकस अब शाहीन बाग पर ही है और इसे लेकर वह केजरीवाल सरकार पर भी लगातार हमलावर हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नजफगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 8 फरवरी को आपका एक वोट तय करेगा कि आप शाहीन बाग वालों के साथ हैं या भारत माता के साथ। लोगों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि अजीत खड़खड़ी को जिताने के लिए यहाँ आया हूँ, ये पूरा क्षेत्र वीर जवानों का है। 8 तारीख को जब आप मतदान करें तो ऐसे मत सोचना कि आपका एक वोट अजीत भाई को विधायक बनाएगा। आपका एक वोट पूरे देश में ये संदेश देने वाला है कि नजफगढ़ वाले शाहीन बाग के साथ हैं या भारत माँ के बेटों के साथ हैं। इतना ही नहीं, रैली में उन्होंने केजरीवाल सरकार को लेकर कहा कि एक सरकार ऐसी है जो 5 साल से झूठ पर झूठ बोले जा रही है। आपने कहा था कि फ्री वाईफाई देंगे, कहीं आया है क्या? इन्होंने कहा था यूरोप जैसी सड़क बनाएंगे, लेकिन पता ही नहीं चलता कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा। कहा था कि यमुना को निर्मल कर देंगे, तो मैं केजरीवाल को चैलेंज देता हूं कि वो अपना शर्ट उतारकर यमुना में डुबकी लगाकर दिखा दें। इसके साथ ही शाह ने मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियों का भी जिक्र किया। धारा 370, अयोध्या मामले जैसे कई मुद्दों पर उन्होंने केंद्र सरकार की तारीफ की। टीम खबर अपडेट।